आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं, वैंडरवॉल्स फोर्सेस। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। मतलब आपके पास सबसे स्ट्रोंग कौन सा? कोवलेंट या आयोनिक? कुछ केसेस में कोवलेंट, कुछ केसेस में आयोनिक। सबसे स्ट्रोंग में कुछ केसेस में कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, कुछ केसेस में आयोनिक बॉन्ड रहेगा। इनका एनर्जी काफी हाई होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा एंड उसके बाद वैंडरवॉल्स फोर्सेस आएंगे। वैंडरवॉल फोर्सेस में आपके पास बेसिकली अलग-अलग टाइप के इंटरेक्शन होंगे जो कि वीक की कैटेगरी में आते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड। परफेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज वीक इंटरेक्शन। पहला पॉइंट है कि इनमें इंटरेक्शन काफी वीक होगा। हाँ जी, तो ये वीक इंटरेक्शंस हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनेंगी, काफी सारी कैटेगरीज इसमें बनती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपकी बनेंगी। कैटेगरीज मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है? पहले इतनी बात आप लिख लीजिए जल्दी से, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए वैंडरवॉल फोर्सेस का। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, गुड मॉर्निंग प्रणव, गुड मॉर्निंग प्रणव, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड जग मॉर्निंग रहा है सर। आयुष, तो जग रहा है। प्रणव सो रहा है अभी, प्रणव कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ इश्यू है। ओके, सो मैं आपको वैंडरवॉल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए एक बार। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर द वीकेस्ट केमिकल फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर द वीकेस्ट केमिकल फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर द वीकेस्ट केमिकल फोर्सेस विच होल्ड टू और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, विच होल्ड टू और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इसमें पहला कैटेगरी मैं बोल रहा हूं, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली क्या है, मैं एक डाइपोल लेता हूं, जैसे कि सिंपली H2O, ये मेरा डाइपोल है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। परफेक्ट। H2O के सॉल्यूशन में मैं कुछ NaCl डाल देता हूं, तो वहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। होगा कैसे, सोडियम पे प्लस चार्ज आएगा और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे जिन्हें हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। परफेक्ट। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा आपके, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कहां पर, हाइड्रेशन और सोल्वेशन के अंदर। मैंने बताया था कि H2O सोडियम को सराउंड कर लेता है, याद है? नहीं, चलिए देखिए।
इस तरह से H2O सोडियम को सराउंड कर लेता है। और क्लोरीन माइनस के लिए भी सेम होगा। इस बार हाइड्रोजन एंड उसको सराउंड करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ऐसा कुछ, ये कंफ्यूज मत होना कि सर कहीं से दो साइड से जोड़ दिया, कहीं से एक साइड से जोड़ दिया। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, कैसे भी हो सकता है। ओके, ये बात समझ आई सबको क्या किया है मैंने? एक बार पूछ लो प्रणव। यस सर, यस कुछ समझ आया क्या बताया? पक्का? सर, ठीक है। सो यस सर, ठीक है आयुष। तो वीकेस्ट इंटरेक्शन में पहली कैटेगरी है, मतलब वीकेस्ट इंटरेक्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वाली कैटेगरीज इससे भी वीक होती जाएंगी। तो ये वीकेस्ट इंटरेक्शंस में मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ले रहा हूं। पहला कैटेगरी ये वाला है। अपने अकॉर्डिंग एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो और ये डायग्राम बना लो, समझ जाओगे। ये छोटा सा डायग्राम बना लेना और अपने अकॉर्डिंग इसकी एक डेफिनेशन लिख लेना और फिर मुझे बताना कि हमारा हो चुका है। सेकंड केसेस, डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान रखना है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस अज्यूम नहीं करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। रीजन मैंने बताया था, चार्ज ज्यादा आ जाता है। ठीक है, चार्ज ज्यादा आ जाता है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, उस पे चार्ज का वैल्यू ज्यादा आएगा, तो उस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस यहां पर अज्यूम नहीं करने हैं। यहां पर अज्यूम कौन से करने हैं? जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। मैं इसको एक बार हटा देता हूं, फिर मैं करता हूं आगे डिस्कस। यहां पर मैंने आपको बताया था HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, वैसा कुछ। या इसको एक लाइन चेन में दिखा देता हूं। देखिए मैंने आपको बोला था कि HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहां पर क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां, ऐसे। इसको भी नोट डाउन कर लेना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उससे थोड़ा वीक फोर्सेस होगा। यहां पर दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे।
जैसे ही हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया। द नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, सॉरी आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। सो यहां पर क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां पर होगा क्या, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो आपने सोडियम आयन्स डाल दिए I2 के अंदर। अब I2 के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगा वो कुछ ऐसे होगा, सेंटर में सबसे ज्यादा, कॉर्नर्स पे बहुत कम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं इसके अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो I2 में ऐसे आएगा, दो सेंटर्स होंगे बेसिकली, डाइपोल, ये डाइपोल नहीं होगा, ऐसे होगा आलू की तरह, दो आयोडीन्स के सेंटर, बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ये मैं क्या दिखा रहा हूं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, परफेक्ट। तो यहां पर ऐसा कुछ I2 आपका दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सोडियम इसके पास आएगा, Na+ जैसे ही इसके पास आएगा, इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, पोल्स जनरेट हो जाएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया है पोलराइजेशन क्या होता है, पोल्स जनरेट हो जाते हैं। कैसे, यहां पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा पूरा, और उसकी वजह से इसके अंदर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस जनरेट हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे दिखा सकते हो या ऐसे दिखा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मेथड चलेगा। इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, पोल्स जनरेट हो जाएंगे बेसिकली। और I2 मॉलिक्यूल में कैसे दिखाएंगे, सोडियम प्लस पास गया, एक आयोडीन पे डेल्टा माइनस, दूसरे आयोडीन पे डेल्टा प्लस, पोलराइजेशन हुआ है, बीच में प्रॉपर बॉन्ड है, और अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल। ऑलरेडी ये डाइपोल नहीं था, लेकिन आयन की वजह से एक डाइपोल जनरेट हो गया, इस वजह से नाम पड़ा आयन इंड्यूस डाइपोल। लिख लो अब इसे, और डाउट है तो कुछ पूछो। कुछ डाउट है तो पूछिए। प्रणव,
जैसे ही हो जाए बता देना। कॉपी होते ही बता देना एक बार। हुआ क्या कॉपी प्रणव? प्रणव कॉपी हुआ क्या? ठीक है हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अगर कोई डाइपोल पोलराइजेशन करा दे आई टू मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर कोई डाइपोल पोलराइजेशन करा दे, डाइपोल जैसे सिंपल सा H2O एक डाइपोल है, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पार्शियल है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो यहां पर होगा क्या कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया है या हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाकर उसमें पोलराइजेशन कर देगा। पोलराइजेशन मतलब उसमें पोल्स जनरेट कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा और उसकी वजह से पोल्स जनरेट हो जाएंगे। यहां पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पोल दिखाए हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बोला जाएगा। लिख लो।
इसको एक बार लिख लेना, अगर कुछ दिक्कत आए तो पूछ लो। जैसे ही हो जाए बता देना। जैसे ही कॉपी हो जाए एक बार बोल देना। आयुष हुआ क्या? आयुष कॉपी हुआ क्या? प्रणव, आशय, हेलो, कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, 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 हेलो सर। हेलो आयुष, कॉपी हुआ? हाँ हाँ सर, हो गया। सॉरी, कनेक्शन ब्रेक हो गया था। हाँ, द लास्ट वन इज आई थिंक फिफ्थ कैटेगरी है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। फोर्सेस ये क्या होते हैं? ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो एक लाइन लिख लो, दे एग्जिस्ट इन बिटवीन नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। They exist in between non-polar molecules. इस बार क्लोरीन उठा लेता हूं क्योंकि मैंने बहुत बार आयोडीन का एग्जांपल उठा लिया। हां जी, तो क्या होगा यहां पर?
यहां पर दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स सीएल टू मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, उन दोनों के बीच में क्या कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेंगे? देख के तो लगता है कि सर कंप्लीटली नॉन पोलार है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेगा ही नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे आएंगे? इन दोनों के बीच में इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहेंगे? ठीक बीच में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे? ठीक बीच में रहने चाहिए, ठीक है क्या? हाँ जी सर। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली ओसिलेट करते हैं। ओसिलेशन मतलब समझ गए ना, ओसिलेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन शो करेंगे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ऐसे चलता रहेगा। स्टेबल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में होता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो ये लगातार ओसिलेट करती रहेगी। परफेक्ट? यस सर। और नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा कि ठीक बीच में रहेंगे, नेट रिजल्टेंट, लेकिन ओसिलेशन कॉन्टिन्यूस है। तो कभी इस तरफ आएगा, मैं एक केस ले रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल माइनस डेल प्लस। सेकंड के भी बहुत 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 छोटे से हिस्से के लिए इसमें डाइपोल जनरेट हो जाएगा, और ऐसे ही इसमें भी डाइपोल जनरेट हो जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी बहुत ही बहुत बहुत वीक इंटरेक्शन होगी, क्योंकि डाइपोल कब जनरेट होगा और कितना जनरेट होगा कुछ पता नहीं है, बहुत कम इंटरेक्शन होगी, लेकिन इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, बहुत वीक होती है लेकिन इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू ओसिलेट, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली ओसिलेट करेंगे, उसकी वजह से टेम्परेरी डाइपोल जनरेट होंगे। टेम्परेरी या परमानेंट डाइपोल नहीं है, अब तक परमानेंट डाइपोल और परमानेंट इंड्यूस्ड डाइपोल की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि टेम्परेरी डाइपोल्स जनरेट हुए ड्यू टू ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स के ओसिलेशन की वजह से यहां पर टेम्परेरी डाइपोल जनरेट होंगे, और उन टेम्परेरी डाइपोल की वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले ये बना लो डायग्राम, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। बन गया डायग्राम, बन गया होगा अब तक तो, बहुत छोटा सा था। सो लिखो, द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन बिटवीन टू नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्ट इन बिटवीन टू नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स।
खुद ही म्यूट हो गया। हेलो हेलो, यस सर। अरे सॉरी, मैं खुद ही म्यूट हो गया, कनेक्शन ब्रेक होते हैं वो म्यूट प्रेस हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया। मैंने कहाँ तक बोल दिया था या कुछ सुनाई दिया या नहीं दिया, क्या चल रहा है बताओ एक बार, कहाँ कुछ डिक्टेट करा रहा था मैं? हेलो सर, आप कोई लंदन डिस्पर्शन का आपने बोला था कि आप कराएंगे। ओके, उसके बाद का कुछ भी नहीं आया, मैं पूरा बोल भी दिया, मुझे पता भी नहीं चला। चलो लिखो, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस exist in a non-polar molecule. London dispersion forces exist in a non-polar molecule due to the fact that London dispersion forces exist in a non-polar molecule due to the fact that due to the fact that electrons do oscillate, inside a covalent bond, inside a covalent bond. And because of these oscillations, आयुष यहां तक हुआ? Yes, sir. And because of these oscillations, instantaneous dipole. Instantaneous मतलब at that instant, एकदम से। So instantaneous dipole is generated. Instantaneous dipole is generated inside a molecule. Hence, there is existence of London dispersion forces. Hence, there is existence of London dispersion forces. The next part is कहाँ तक आ गए थे? हाँ, London dispersion forces हो गया, helium neon argon xenon sorry krypton xenon, इन सब में boiling point का order कैसे decide करोगे? एक बड़ा खतरनाक सा question है कि इन सब में boiling point का order कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर होगा क्या, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन वाला पार्ट, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस उतना ज्यादा होगा जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन ज्यादा होगा और डाइपोल जनरेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ज़ीनोन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है विद मास, विद मोलार मास। इफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एग्जिस्ट, देन विद मॉलिक्यूलर, विद मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास,
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। और एट्रैक्टिव फोर्सेस किस टाइप के? अगर आप कंसीडर कर रहे हो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो सेम कैटेगरी में चेक करोगे। ऐसा नहीं कि डिफरेंट कैटेगरीज से मैच करके और आप बोल दो सर ये तो H2O ज्यादा दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट और H2S कम दे रहा है। वहां पर फैक्टर दूसरा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ आई क्या बोल रहा हूं या नहीं प्रणव? यस सर। पक्का? तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। विद मोलार मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एक लाइन लिख लेना। लेकिन हार्ड फैक्ट नहीं है, कभी कभी अट्रैक्टिव फोर्सेस दूसरे टाइप के होते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे और मोलार मास के साथ इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर सिमिलर या सेम टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो आप बोल सकते हो विद मोलार मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ये एक लाइन लिख लेना, विद मोलार मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। विद मोलार मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इतना हुआ? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे कराऊं या ना कराऊं? चलो एक चीज तो और मैं बता देता हूँ, मेरी आज थोड़ी हेल्थ सही नहीं है एक्चुअली। थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है तो इशू मुझे काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक बॉयल्स लॉ है, सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? Sir, Boyle's law states that V1 is directly proportional. Pressure is inversely proportional to volume, basically. हाँ सर, मैं उल्टा बोल रहा था। हाँ, P1 V1 is equal to P2 V2. शायद देखा होगा आपने। Yes sir. Assuming volume and temperature as constant. ये अगर कांस्टेंट होंगे तभी P1 V1 is equal to P2 V2 होगा। सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, गलत लिख दिया था। नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ तो P1 V1 is equal to P2 V2। फर्स्ट चैप्टर में आपने एक इक्वेशन देखी थी PV is equal to NRT। यहां पर बेसिकली मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। सो पीवी शुड बी इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वी एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। ऐसे बड़ा सिंपल सा निकल सकता है? यस सर। चलिए तो मैं इस पे एक न्यूमेरिकल दे दूं। Yes, sir. A rubber balloon. WhatsApp पे भेज दूँ? हाँ सर, WhatsApp में भेज दो। ठीक है, एक सेकंड देना। ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है तो बेटर है कि WhatsApp पे कर देता हूँ। जल्दी से हो जाएगा।
मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, देखो एक बार। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा, एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टेटमेंट पढ़ सर लो, ट्राई एक एक सेकंड से एक बार ट्राई करो, भी कर कर लो लेते कर हैं। लो कर लो। सर आंसर क्या है? ट्वेंटी तुम्हारा कितना है श्रेया वो बताओ। परफेक्ट फाइव है, परफेक्ट है, 25 ही आंसर है। हाँ जी आयुष, सोल्व करूं? जी सर, यहाँ पर दो पार्ट दे रखे हैं, एक बैलून दे रखा है हम लोगों को, एक मार्बल्स दे रखे हैं। मार्बल बेसिकली सॉलिड बोल रखा है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो बैलून के अंदर मार्बल डाल दिए, मतलब मार्बल्स ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया और गैस कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो बॉयल्स लॉ है सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इनिशियल प्रेशर कितना है? अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो बैलून के अंदर इनिशियल प्रेशर 2 atm है। 2 atm इनिशियल प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? मैं मानता हूं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स बी n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स। अब वॉल्यूम कितनी होगी? 1000 - 10 n। 1000 किसके लिए? 1 liter वॉल्यूम थी तो 1000 ml उसको लिख दिया, -10 n, बिकॉज एक आपके पास जो सॉलिड क्या दे रखा था, क्या बोला गया, सॉलिड क्या गिवन है, बोल्स था क्या था, स्टोन्स, मार्बल मार्बल्स। हाँ सॉलिड मार्बल्स जो गिवन है, एक मार्बल की वॉल्यूम 10 है और n नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नंबर बाय मार्बल्स इज इक्वल टू 10 n। परफेक्ट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मार्बल्स इज 10 n। सो 1000 - 10 n क्या हो जाएगी? गैस की वॉल्यूम। यहां पर गैस की वॉल्यूम कितनी? 1000 - 10 n। फाइनल प्रेशर कितना? जितना एक्सटर्नल प्रेशर है। सो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 4 atm और फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 625 ml -10 n। यहां पर अगेन मार्बल की वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगी, टोटल वॉल्यूम बोली 625, तो गैस की कितनी हो जाएगी? 625 - 10 n। अब लगा देंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, सो 2 × 1000 - 10 n इज इक्वल टू 4 × 625 - 10 n।
एन के लिए इसे सोल्व कर दो, एन के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। आयुष क्या किया, समझ आया? यस सर। प्रणव? यस सर। इसे सोल्व कर दो, इसे सोल्व कर दो जल्दी से, और फिर उसके बाद आज का क्लास मैं यही एंड कर रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है, मतलब गला ज्यादा पेन कर रहा है। तो इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एंड करता हूँ। आप बॉयज लो पे बेस्ड क्वेश्चंस अवस्थी से लगा सकते हैं, लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस अवस्थी के लगा सकते हैं गैसियस स्टेट से। हुआ कॉपी आपका? हेलो। यस सर। ठीक है, तो मैं ये एंड कर रहा हूं अभी। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर।